नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ओट्रिन कैप्सूल का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, ओट्रिन कैप्सूल को कैसे लेना चाहिए और ओट्रिन कैप्सूल की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि ओट्रिन कैप्सूल को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में ओट्रिन कैप्सूल को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। ओट्रिन कैप्सूल का उपयोग शरीर में खून की कमी और शरीर की कमजोरी को दूर करने के लिए किया जाता है। शरीर में खून की कमी को मेडिकल भाषा में एनीमिया भी कहते हैं। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं में खून की कमी होने पर भी डॉक्टर प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को ओट्रिन कैप्सूल को लेने की सलाह दे सकता है। शरीर में खून की कमी होने पर शरीर में बहुत ज्यादा थकान होना, शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी, त्वचा और आँखों में पीलापन, उठते या बैठते समय चक्कर आना, हाथों और पैरों का ठंडा होना, सिर दर्द रहना, छाती में दर्द होना, सांस फूलना और दिल की धड़कन का तेज होना आदि लक्षण शरीर में खून की कमी होने पर हो सकते हैं। शुरुआत में ज्यादातर व्यक्तियों में खून की कमी होने पर कोई लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन जब शरीर में एनीमिया की गंभीरता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे एनीमिया के लक्षण भी बढ़ते जाते हैं। इसलिए शरीर में खून की कमी को पूरा करने के लिए और शरीर में कमजोरी को दूर करने के लिए डॉक्टर ओट्रिन कैप्सूल को लेने की सलाह दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि ओट्रिन कैप्सूल की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में ओट्रिन कैप्सूल की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में ओट्रिन कैप्सूल की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ओट्रिन कैप्सूल की वजह से कुछ व्यक्तियों में कब्ज या दस्त की समस्या हो सकती है। इसके अलावा कुछ व्यक्तियों में ओट्रिन कैप्सूल की वजह से उल्टी आने का मन होना और पेट में दर्द हो सकता है। ओट्रिन कैप्सूल की वजह से टट्टी का रंग ब्लैक हो सकता है। ओट्रिन कैप्सूल की वजह से टट्टी का रंग ब्लैक होना एक सामान्य बात है। अब हम डिस्कस करेंगे कि ओट्रिन कैप्सूल को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। ओट्रिन कैप्सूल को खाना खाने के बाद लेना रिकमेंडेड होता है। ओट्रिन कैप्सूल को लेने से पहले और लेने के बाद 2 घंटे तक चाय या कॉफी का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाय या कॉफी शरीर में आयरन के अवशोषण को कम कर सकती है। आम तौर पर डॉक्टर 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को ओट्रिन कैप्सूल को दिन में 2 बार लेने की सलाह देते हैं। ओट्रिन कैप्सूल की खुराक, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको ओट्रिन कैप्सूल को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि ओट्रिन कैप्सूल को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में ओट्रिन कैप्सूल को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। ओट्रिन कैप्सूल को कैल्शियम की टैबलेट, दूध और पेट में गैस कम करने वाली एंटासिड दवाओं के साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ओट्रिन कैप्सूल को कैल्शियम की टैबलेट, दूध और एंटासिड दवाओं के साथ लेने से ओट्रिन कैप्सूल का अवशोषण कम हो सकता है, जिसकी वजह से ओट्रिन कैप्सूल की प्रभावशीलता कम हो सकती है। डॉक्टर ओट्रिन कैप्सूल के साथ विटामिन सी के सप्लीमेंट या विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थ खाने की सलाह दे सकते हैं, क्योंकि विटामिन सी शरीर में आयरन के अवशोषण को बढ़ावा देता है, जिसकी वजह से ओट्रिन कैप्सूल की प्रभावशीलता बढ़ जाती है। कुछ व्यक्ति पूछते हैं कि क्या ओट्रिन कैप्सूल शरीर के वजन को बढ़ाता है या नहीं। देखिए, ओट्रिन कैप्सूल शरीर में खून की कमी को पूरा करके शरीर की कमजोरी को दूर करता है, लेकिन ओट्रिन कैप्सूल शरीर के वजन को नहीं बढ़ाता है। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं ओट्रिन कैप्सूल को ले सकती है या नहीं। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए ओट्रिन कैप्सूल का सेवन करना सुरक्षित है, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं ओट्रिन कैप्सूल को डॉक्टर की सलाह के अनुसार ले सकती है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका ओट्रिन कैप्सूल से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।